नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रक ज्ञान पर। टाटा 4225 के बारे में आज आपको जानकारी देते हैं। इस तरह का यहां पर डैशबोर्ड आता है और जो कैबिन हम बनाते हैं उस तरह जाल स्ट्रक्चर बनकर कैबिन यहां पर तैयार हो जाता है। और सबसे पहले 250 हॉर्स पावर का क्यूमिंस का 6.7 लीटर का इसमें डिस्प्लेसमेंट के साथ इंजन आता है और 950 न्यूटन मीटर की आपको यहाँ पर टॉर्क मिल जाती है। रही बात पासिंग की, ये 5 एक्सल वाली चौटरा गाड़ी है और लेलैंड में 4 एक्सल वाली और 5 एक्सल वाली दोनों आती है। आयशर में भी वो निकाल दिया, भारत में भी अभी निकाल दिया वो गाड़ी, पर टाटा में यहाँ पर 5 एक्सल वाली की ही गाड़ी है। और यहाँ आपको पासिंग 42 टन की यहाँ पर पासिंग मिल जाती है। पीछे जो 2 एक्सल्स हैं टेंडम वेट 21 टन का यहाँ पर और 7 टन का लिफ्ट एक्सल है। 7 टन के आगे वाले दोनों ही एक्सल्स हैं जो कि ट्विन स्टीयरिंग एक्सल यहाँ पर हम बोल देते हैं उनको। दोनों ही टायर, दोनों ही एक्सल्स वो स्टीयर होते हैं और ये होते हैं 7-7 टन की कैपेसिटी के, टोटल 42 टन की कैपेसिटी बन जाती है। गियर बॉक्स है वो यहाँ पर 950G का मैनुअल गियर बॉक्स अपने को मिल जाता है। 6 स्पीड आगे तरफ और एक रिवर्स गियर, SCR सिस्टम, ATS सिस्टम यहाँ पर, SCR पर ये काम कर रही है, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, सिलेक्टिव कैटालिस्ट रिएक्शन पर ये गाड़ी में होती है जिसमें कि यूरिया डलता है। 2 बैटरीज है 12-12 वोल्ट की। ऊपर से जो चेसिस की फ्लाइंग लेंथ है वो 65 mm की है, 285 mm की हाइट है, 8.5 mm की थिकनेस है। हैवी क्रॉस मेंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पीछे यहाँ पर सेमी इलिप्टिकल लिप सबरिंग्स आपको मिल जाएगी, आगे यहाँ पर पैराबोलिक लिप सबरिंग्स हैं यहाँ पर। और एक्सल्स हैं वो यहाँ पर टाटा 7 टन हैवी ड्यूटी रिवर्स इलियर टाइप है। पीछे यहाँ पर जो एक्सल मिल जाता है वो RA110HD एक्सल यहाँ पर मिल जाता है। स्पेयर टायर साइड पर मिलता है और जो प्रेशर टैंक है वो साइड पर आ रही है तो हमको उनको अंदर करना पड़ता है, तो यहाँ की यहाँ से जो टायरों की स्पेस है वो क्लियर हो जाए। और पीछे यहाँ पर देख सकते हो रिवर्स पार्किंग बजर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। LED टेल लैंप्स बैक में यहाँ पर मिल जाती हैं। हैवी काम टाटा ने यहाँ पर किया है। प्राइस के बारे में बात करें, इस गाड़ी का जो प्राइस आ रहा है आज की डेट में ये 36 से 37 लाख की गाड़ी पड़ रही है। इसमें नया मॉडल भी आ चुका है, यहाँ पे ये SCR सिस्टम है वो यहाँ से निकाल कर यहाँ पर चेसिस का यहाँ से निकाल कर साइड पर यहाँ पर कर दिया है। और बैलून की प्लेसमेंट है वो बहुत बढ़िया है, एक्सल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात एवरेज की, 3 से 3.25 की माइलेज ये गाड़ी आराम से प्लेन रोड पर दे देती है, ज़्यादा परेशान नहीं करती। गियर बॉक्स है वो यहाँ पर ZF और राणे कंपनी का, यहाँ पर दो कंपनी अपने को यहाँ पर ZF मिल जाता है। ABC पेडल्स यहाँ पर देते हो, 395 mm का यहाँ पर क्लच मिल जाता है ऑर्गेनिक लाइनिंग के साथ। और बेबको की यहाँ पर प्रेशर ब्रेक्स ABS के साथ है और जो एक्सीलेटर है वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक दे दिया है। यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर प्लास्टिक का भी यहाँ पर दिया हुआ है। डबल हेडलाइट्स यहाँ पर गाड़ी में आती हैं, यहाँ पर देते हो टाटा 4225 की मार्किंग यहाँ पर रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।